सो पेपर आ चुका है इस ग्रुप मतलब इस वीडियो में तो ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों का ही आंसर बताया जाएगा, ठीक है ना। अपना आंसर चेक कर लेना और देख लेना आपको कितना मिल रहा है, ठीक है ना। तो पेपर अप टू द मार्क डिसेंट आया, इजी बोल सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस टाइप का आया है, कुछ नहीं, पेपर डिसेंट आया और ईजी था, उतना टफ कुछ नहीं था, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जैसे ग्रुप ए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एवरी लिस्टेड कंपनी शैल कंस्टिट्यूट एंड ऑडिट कमिटी विद एटलीस्ट, इसका आंसर थ्री डायरेक्टर्स, ऑप्शन नंबर बी। वोटिंग इन अ जनरल मीटिंग कैन बी डन बाय, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर थ्री, कंपनीज एक्ट हैज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ, इसका आंसर नंबर होगा बी, रेसिडेंट डायरेक्टर, ठीक है। थोड़ा आवाज मैनेज कर लेना, बारिश हो रहा है, कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, वन पर्सन कंपनी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, इसका आंसर होगा बी, प्राइवेट कंपनी। ईजीएम कैन बी कॉल्ड बाय, इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, ट्राइब्यूनल। द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश कंपनी इज गिवन इन सेक्शन 455, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, डॉर्मेंट कंपनी, ठीक है। शेयर सर्टिफिकेट आर टू बी इश्यू बाय अ कंपनी विद इन हाउ मेनी मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, इसका आंसर होगा टू मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ऑप्शन नंबर सेवन का ही होगा, ठीक है ना। द कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल कंप्राइज ऑफ, इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होगा डी, ठीक है। ये हो गया पहला पड़ाव, अब चलते हैं दूसरे पड़ाव पे, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर नाइन, द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट इज गिवन इन विच सेक्शन, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू क्लॉज इलेवन, टू इलेवन ना। द एजेंडा ऑफ अ मीटिंग शुड बी सर्कुलेटेड, ऑप्शन नंबर ए होगा अलॉन्ग विथ नोटिस। डी आई एन, बहुत ईजी क्वेश्चन, डी आई एन का फुल फॉर्म ऑप्शन इलेवन का होगा सी, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ट्वेल्व का क्या होगा, डैश हैव फुल कंट्रोल ओवर द आर्टिकल्स, ऑप्शन नंबर डी, मेंबर। थर्टीन का, डैश इज द प्री रिक्विजिट ऑफ अ वैलिड मीटिंग, इसका आंसर होगा बी, एजेंडा। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, एवरी कंपनी मस्ट हैव रजिस्टर्ड ऑफिस ऑन एंड फ्रॉम डैश डे आफ्टर इट इनकॉर्पोरेशन, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 38। डैश प्रोस्पेक्टस इज डिफाइंड सेक्शन 32, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेड हैरिंग, ठीक है। एटलीस्ट डैश बोर्ड मीटिंग, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4। अल्ट्रा वायर्स मीन्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बियॉन्ड पावर, ठीक है। ये हो गया सेकेंड पड़ाव, अब चलते हैं थर्ड पड़ाव। बाय बैक ऑफ शेयर्स कैन बी मेड फ्रॉम, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा एनी ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब डी, ऑप्शन नंबर डी। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी बोला गया है, नो मैक्सिमम लिमिट, डी। तो उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, इस कौन सा शेड्यूल में दिया है इसका, और आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेड्यूल 5। अब आते हैं ग्रुप बी में, ग्रुप बी सेक्शन, विच सेक्शन प्रोवाइड एट एम ओ एन ए ओ ए वेन रजिस्टर विद आर ओ सी बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट, कौन सा सेक्शन होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 399। उसका ये है क्वेश्चन नंबर टू, डैश कैन बी कॉल्ड एंड कन्वेन्ड बाय, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईजीएम कैन बी कॉल्ड एंड कन्वेन्ड बाय डायरेक्टर, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं मिलेगा कोई क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर, अगर एक दो में मिल जाता है पॉसिबल हो सकता है, बट एक दो में वो भी नहीं मिलना चाहिए, बट मिलता है तो आप कमेंट में हमेशा की तरह बताना कि भैया इसका आंसर ये होगा, इफ रिक्वायर करेक्शन कर दिया जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा करेक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थ्री आते हैं, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी द कंपनी शैल अपॉइंट एटलीस्ट क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर होगा ए, वन वुमेन डायरेक्टर। शेयर्स कैन बी इश्यू फॉर, इसका आंसर क्या होगा, कैश ओनली, क्रेडिट ओनली, कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश ओनली, ऑप्शन नंबर सी, कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, इसका आंसर होगा बी, लिमिटेड अनलिमिटेड, ठीक है ना, ऑप्शन बी। ये हो गया सेकेंड पर आओ, ये थर्ड पर आओ। अब आते हैं हम सिक्स में, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस रिलेटेड टू, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ एम ओ ए एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अ कंपनी क्या है, कंपनी बाय डैश रेजोल्यूशन आफ्टर अल्टर इस आर्टिकल्स, क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेशल 15, सेक्शन 15। हु कांट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ऑल ऑफ दिस होगा, हाँ ऑल ऑफ दिस, 8 का डी। एवरी कंपनी शैल होल्ड फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन क्या होगा, विदिन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 9 का 30 होगा। 10 का क्या होगा, 10 का रिजर्व कैपिटल इज कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, डी होगा, लिक्विडेशन। एक्स वाई जेड इज अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में मेंबर कितना होता है, ये कोरम कितना होता है, 2 होता है, 2 क्वेश्चन ए होगा, 2 11 का ए, 2। डैश नंबर ऑफ डायरेक्टर
नहीं, डैश ऑफ डायरेक्टर इज गिवन इन सेक्शन सेक्शन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ड्यूटीज ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर इज गिवन इन सेक्शन 166, ऑप्शन नंबर ए। 13 क्या, अप्रूवल ऑफ डैश गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया 13। अब आते हैं 14, अ कंपनी कैन इशू, कैनॉट इशू, कैन नहीं, कैनॉट इशू बोनस शेयर आउट ऑफ, आउट ऑफ क्या होगा, आउट ऑफ फ्री रिजर्व होता है, DRR नहीं होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी होता है और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व भी होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेक्शन 1191 में क्या लिखा गया, इसमें लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए, मिनट्स ऑफ पोस्टल बैलेट, मिनट पोस्टल बैलेट। 16 क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैव नंबर ऑफ क्लॉज, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 6 क्लॉज। डेफिनेशन ऑफ विच कंपनी, इसका आंसर बहुत कंफ्यूजिंग था, जो पढ़ा होगा उसको पता ही होगा कि पब्लिक कंपनी 271 में लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी 271। की मैनेजरियल पर्सन में कौन कौन नहीं आता, कौन नहीं आता, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीए नहीं आता। अंडर सेक्शन 100 सब सेक्शन 1 में क्या लिखा गया, क्या लिखा गया, व्हेनेवर बोर्ड व्हेनेवर रिक्वायर कैन कॉल द ईजीएम, ईजीएम 101 में लिखा गया ईजीएम बुला सकता है व्हेनेवर रिक्वायर। 20 में क्या होगा, स्वेट इक्विटी शेयर इज डिफाइंड इन सेक्शन 288 होगा, ऑप्शन नंबर बी। 21 का क्या होगा, एजीएम कैन बी कॉल, कैन बी हेल्ड ऑन, कैन बी हेल्ड ऑन, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, पब्लिक हॉलीडे में होल्ड हो सकता है, पब्लिक हॉलीडे में हेल्ड हो सकता है लेकिन नेशनल हॉलीडे में नहीं हो सकता, यही लिखा गया है। ठीक है ना, कुछ कुछ लोग वर्किंग डे मार के आया होगा, ठीक है, क्योंकि वो तो कैजुअल, वर्किंग डे में तो हर एक चीज़ हो सकता है, ठीक है ना, वर्किंग डे तो हर एक चीज़ हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी होगा, पब्लिक हॉलीडे में हो सकता है लेकिन नेशनल हॉलीडे में नहीं हो सकता, यही एक्ट में लिखा गया। ठीक है, ये केस लॉ प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इम्प्रॉपर कंडक्ट क्या होगा, इसका आंसर होगा जॉन्स वर्सेस लिपमैन, आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, 22। अब आते हैं लास्ट पेज, आते हैं प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिंग टू डायरेक्टर गिवन इन 149 सबसेक्शन विद शेड्यूल क्या, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेड्यूल 4। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 24 क्या होगा, द स्वेट इक्विटी शेयर आर इशू बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय फॉर डायरेक्ट और डायरेक्टर क्या होगा, एट अ डिस्काउंट अदर देन कैश, बोथ होगा, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी। 25 का क्या होगा, नोटिस इज अ रिटन और प्लेस, ऑप्शन नंबर ए। 26 क्या होगा, डैश लाइबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिमिनल लाइबिलिटी लिखा हुआ है सेक्शन 34 में। डैश पावर ऑफ डायरेक्टर इज गिवन इन, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, जनरल पावर दिया गया 179 सबसेक्शन 1 में। 28 क्या, शेयर कैन बी इशू बाय पब्लिक थ्रू पब्लिक कंपनी थ्रू ऑल ऑफ दिस पब्लिक ऑफर प्राइवेट राइट बोनस सब। 29 में क्या होगा, कंपनीज एक्ट प्रोविड द इशू ऑफ एनी प्रीवेंट शेयर विच इज इररिडीमेबल, ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी आर नॉन रोटेशनल, इसका आंसर होगा प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक के लिए तो कंपलसरी है, ये होना चाहिए लेकिन प्राइवेट के लिए कंपलसरी नहीं है, तो नॉन रोटेशनल इन नेचर प्राइवेट कंपनी होगा। ठीक है ना, आई होप सो आपको सारा आंसर करेक्ट मिलेगा, और कुछ भी कॉन्ट्राडिक्ट्री होता है तो आप डेफिनेटली मुझे मैसेज कर देना, मतलब ये डिस्क्रिप्शन में लिख देना, एक दो कॉन्ट्राडिक्ट्री आंसर हो सकता है। ठीक है ना, और कितना मार्क्स मिला नेगेटिव काट के डेफिनेटली कमेंट में बताना। सो थैंक यू सो मच।